तो मित्रों चलिए आज हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। अगर आपकी कुंडली के दसवें घर में शनिदेव बैठे हो तो ये तो निश्चित है कि आप कभी राजा नहीं बन सकते हैं, आज मंत्री अवश्य बन सकते हैं, बहुत ऊंचे पदों पे अवश्य ही रह सकते हैं। शनिदेव दसवें घर में बैठ करके जातक को बहुत धनी बनाते हैं धन के मामले में, तथा परदेश जा करके भी ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बन सकता है। परदेश में जाकर किसी राजा अथवा राजा के तुल्य व्यक्ति के यहाँ इसको रहने का आसरा मिल जाता है, परंतु ऐसा जातक अभिमानी भी होता है, परंतु शत्रुओं से ऐसा जातक कभी भी डरने वाला नहीं होता है। राजा का मंत्री हो सकता है, नीतिवान हो सकता है, नीतियों को जानने वाला, बुद्धिमान, नम्र और श्रेष्ठ भी ऐसा जातक हो सकता है। गांव कोई सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ा अधिकारी या अफसर भी ऐसा जातक बन सकता है अपने जीवन में, बहुत ही चतुर और धन युक्त ऐसा जातक होता है। परंतु अगर शनिदेव अच्छे ना हो, शत्रु क्षेत्रीय हो अथवा शत्रुओं से दृष्ट हो अथवा पाप ग्रहों से युक्त हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बिल्कुल ही धन से रहित होता है, कुकर्मी भी हो जाता है, सत्य और दया से तथा अनेकों प्रकार के गुणों से वंचित ऐसा जातक अपने जीवन में देखा गया है, बहुत ही चंचल हो जाता है। परंतु शनिदेव अगर अच्छे हो तो ऐसा जातक धन बल पुत्र पौत्र आदि से युक्त एवं बहुत ही सुखी अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक न्यायाधीश अथवा दंडाधिकारी भी बन सकता है। ऐसा जातक अपने कुल में बहुत ही वीर भी हो सकता है एवं किसी भी तरह की बाधा से रहित अपनी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने वाला भी होता है। कभी कभी दुख युक्त भी ऐसा जातक देखा गया है। गांव में रहने वाला सामान्य सा व्यक्ति भी ऐसा जातक होता है शनिदेव के कोप के वजह से। परंतु ज्यादातर देखा गया है कि शनिदेव अगर अच्छे हो, कुंडली के दसवें घर में बैठे हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को दंडकर्ता या दंडाधिकारी या दंडपति या पंडित, सूरवीर, धन युक्त, मंत्री, नौकर चाकर से युक्त जातक को बनाते हैं। परंतु अगर अच्छे न हो तो नीच या शत्रु क्षेत्री हो तो सेवा से इकट्ठा किया गया धन क्रूर कृपण पक्षियों को मारने वाला एवं जंघा में रोग को पालने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखा करके अपनी कुंडली के बारे में समझिए। अगर फिर भी आपको कोई संशय हो अथवा कोई विद्वान व्यक्ति ना मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन पर आप हमारे साथ संपर्क स्थापित करके अपनी कुंडली के विषय में जो कुछ भी जानना चाहते हैं विधि पूर्वक जान सकते हैं। विस्तार रूप से मैं आप लोगों को बतला दूंगा, ठीक है।